इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको वो वर्ड मीनिंग ज़्यादा समय तक याद रहे और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। इसी के साथ आप कर दिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, केयरफुली, संभल कर चलो। वॉक का मतलब होता है चलना, केयरफुली संभल कर या फिर ध्यानपूर्वक। वंस, वंस, एक बार देयर वॉज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉगर। देयर वॉज अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉगर। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी था। एस्ट्रोलॉगर का मतलब होता है ज्योतिषी, फेमस प्रसिद्ध या फिर मशहूर, वेरी बहुत आ है। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, दिन और रात। डे का मतलब होता है दिन, एंड और नाइट रात। ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी, ही केप्ट वह रखता था हिमसेल्फ खुद को बिजी, व्यस्त। दिन और रात वह अपने आप को व्यस्त रखता था। हिमसेल्फ का मतलब है खुद को या फिर अपने आप को, अपने आप को बिजी, व्यस्त, केप्ट रखता था, रखता था। केप्ट कीप का सेकेंड फॉर्म होता है। कीप का मतलब होता है रखना, केप्ट है तो रखता था। स्टडिंग, स्टडिंग, पढ़ने में। द पोजिशंस, द पोजिशंस, स्थितियां। पोजिशंस का मतलब होता है स्थिति, स्थिति, और ये पोजीशंस है तो स्थितियां, यानी उनकी स्थिति क्या है। ऑफ द सन, ऑफ द सन, सूरज की। मून, चांद की। स्टार्स, तारों की। एंड प्लैनेट्स, एंड प्लैनेट्स, और ग्रहों की। प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह। मून चांद, सन सूरज, स्टार्स तारे। टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, भविष्य को बताने के लिए। प्रिडिक्ट का मतलब होता है ऐसे तो भविष्यवाणी करना, लेकिन हम यहां कहेंगे इसे बताना। फ्यूचर का मतलब है भविष्य, भविष्य को बताने के लिए। वह दिन और रात खुद को सूरज चांद तारों और ग्रहों की स्थिति पढ़ने में व्यस्त रखता था। ही यूज टू गेट सो एनग्रॉस्ड, ही यूज टू गेट सो एनग्रॉस्ड, वह इतना लीन हो जाया करता था। ही का मतलब है वह, यूज टू गेट हो जाया करता था, हो जाया करता था। सो का मतलब है इतना, एनग्रॉस्ड लीन या फिर खो जाना, खो जाता था। इन लुकिंग अप, इन लुकिंग अप, ऊपर देखने में। एट द स्काई, एट द स्काई, आसमान में। दैट की, मेनी आ टाइम्स, मेनी आ टाइम्स, बहुत बार। मेनी आ टाइम्स का मतलब है बहुत बार, बहुत बार। ही डिड नॉट इवन नो, ही डिड नॉट इवन नो, वह जानता भी नहीं था। Where he was stepping,
वेयर ही वॉज स्टेपिंग, कि वह कहाँ कदम रख रहा है। इवन का मतलब है भी, नो का मतलब होता है जानना, डिड नॉट है तो वह जानता भी नहीं था, वेयर का मतलब है कहाँ, स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, वॉज स्टेपिंग है तो कदम रख रहा था। वन डे, वन डे एक दिन, ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था एज यूजल, एज यूजल हमेशा की तरह, एज यूजल का मतलब होता है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। विथ हिज हेड अप, विथ हिज हेड अप, अपने सिर को ऊपर किए हुए, हेड का मतलब होता है सिर, अप का मतलब ऊपर, विथ हिज अपने, एंड आईज, एंड आईज और आंखों को, ऑब्जर्विंग द स्काई, ऑब्जर्विंग द स्काई, आसमान पर नजर गड़ाए हुए। ऑब्जर्व का मतलब ऐसे होता है परीक्षण करना, लेकिन हम यहाँ इसे कहेंगे नजर गड़ाए हुए, आसमान पर नजर गड़ाए हुए, अपने सिर और आंखों को ऊपर किए हुए, हमेशा की तरह। एक दिन वह जा रहा था या फिर टहल रहा था, सडनली, सडनली अचानक ही, सडनली का मतलब है अचानक ही, अचानक, ही ट्रिप्ड, ही ट्रिप्ड, उसे ठोकर लगी, ट्रिप का मतलब होता है ठोकर लगना, ठोकर लगना, ट्रिप्ड है तो ठोकर लगी, ऑन अ लार्ज स्टोन, ऑन अ लार्ज स्टोन, एक बड़े पत्थर से, लार्ज का मतलब है बड़ा, स्टोन पत्थर, एंड और फेल और गिर गया, बाई द रोड साइड, बाई द रोड साइड, सड़क के किनारे, रोड साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, ही गॉट स्टक, ही गॉट स्टक, वह फंस गया, इन अ थॉर्नी बुश, इन अ थॉर्नी बुश, एक कटीली झाड़ी में, बुश का मतलब होता है झाड़ी, थॉर्नी कटीली, इन में स्टक, फंस गया, फंस गया। द थॉर्न्स स्टार्टेड पियर्सिंग हिज स्किन, द थॉर्न्स कांटे स्टार्टेड पियर्सिंग, चुभना शुरू हो गए, हिज स्किन उसकी चमड़ी में, पियर्स का मतलब होता है चुभना, स्टार्टेड पियर्सिंग है तो चुभना शुरू हो गए, स्किन का मतलब होता है चमड़ी, एंड और ही वॉज, वह था इन ग्रेट पेन, इन ग्रेट पेन बहुत ज्यादा दर्द में, ग्रेट का मतलब है यहां पर ज्यादा, पेन का मतलब दर्द, अब वो बहुत ज्यादा दर्द में था। सम पासर्स बाई, सम पासर्स बाई, कुछ राहगीर, पासर्स बाई का मतलब है राहगीर, जो वहां से गुजर रहे थे, सम का मतलब है कुछ, हेल्प्ड द एस्ट्रोलॉगर, हेल्प्ड द एस्ट्रोलॉगर, एस्ट्रोलॉगर, एस्ट्रोलॉगर की मदद की, एंड देन, एंड देन और फिर, आस्क हिम, आस्क्ड हिम,
और उससे पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड है तो पूछा। हाउ ही हैड फॉलन, हाउ ही हैड फॉलन, कि वो कैसे गिर गया था। हैड फॉलन का मतलब है गिर गया था, गिर गया था। हाउ कैसे, ही वह। इंटू द थॉर्न बुश, इंटू द थॉर्न बुश, इन कटीली झाड़ियों में। थॉर्न बुश का मतलब है कटीली झाड़ियां। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड देम, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड देम, जब ज्योतिषी ने उन्हें बताया। टोल्ड का मतलब है बताया, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने, देम उन्हें। वन ऑफ देम कमेंटेड, वन ऑफ देम कमेंटेड, उनमें से एक ने टिप्पणी की। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, टिप्पणी करना। वन ऑफ देम उनमें से एक। यू लुक अप, यू लुक अप, तुम ऊपर देखते हो। एट द स्काई, एट द स्काई, आसमान में। स्काई का मतलब होता है आसमान या फिर आकाश। लुक का मतलब होता है देखना। एंड और कैन कैलकुलेट, कैन कैलकुलेट, और गणना कर सकते हो। गुड एंड बैड टाइम्स, गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय की। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना या फिर गिनती करना। गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे या बुरे समय की। एंड और इवन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, इवन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और यहां तक कि भविष्य बता सकते हो। फ्यूचर का मतलब भविष्य। बट लेकिन, हाउ यू कैन नॉट सी, हाउ यू कैन नॉट सी, तुम कैसे नहीं देख पाए। हाउ का मतलब है कैसे, यू तुम, कैन नॉट सी नहीं देख पाए, नहीं देख पाए या फिर नहीं देख सके। व्हाट इज राइट हियर, व्हाट इज राइट हियर, जो यहां पर है। राइट हियर का मतलब होगा यहां पर, यहां पर। व्हाट इज, जो है। इन फ्रंट ऑफ योर आईज, इन फ्रंट ऑफ योर आईज, बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, योर आईज तुम्हारी आंखों के, तुम्हारी आंखों के, तुम कैसे नहीं देख पाए, जो बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने था। स्टॉप ड्रीमिंग, स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखना बंद करो। स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, ड्रीमिंग सपने देखना। एंड और स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट लिविंग, और जीना शुरू करो। इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड, असली दुनिया में। रियल वर्ल्ड का मतलब है असली दुनिया, असली दुनिया। इन में सपने देखना बंद करो और असली दुनिया में जीना शुरू करो। द एस्ट्रोलॉगर फेल्ट अशेम्ड, द एस्ट्रोलॉगर, वो ज्योतिषी, फेल्ट अशेम्ड, शर्मिंदा हुआ। ऑन हियरिंग सच कमेंट्स, ऑन हियरिंग सच कमेंट्स,
इस तरह की टिप्पणी सुन करके, हियरिंग का मतलब है सुन करके, सुन करके, सच इस तरह की, इस तरह की कमेंट टिप्पणियाँ, इस तरह की टिप्पणियाँ सुन करके वो ज्योतिषी शर्मिंदा हुआ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।